कल तेलंगाना के मेदक क्षेत्र में, मेदक पुलिस स्टेशन की लिमिट में, 100 गाय, बछड़े और बैल टीटीडी कल्याणा मंडपम उसके बैक साइड में बंधे हुए है, ये कार्यकर्ताओं को पता चला। तो कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन गए, पुलिस को इंटीमेशन दिया, तो पुलिस वाले जाकर वहां पर गाय बैलों को जो सो बैरिकेड लगा के वहां पे बंद करके रखे, लेकिन केस तो पुलिस वालों ने उनका सहयोग पे नहीं किया। फिर एक वहां के कार्यकर्ताओं को फोन आया कि भाई और 70 से अधिक गाय के छोटे छोटे बच्चों को बंद के रखा गया। तो फिर कार्यकर्ता मेदक पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को फोन करके बताया। तो पुलिस का काम था कि जिस प्रकार से सवेरे उन्होंने जो 100 गायों को जो बैरिकेड लगा के बंद किया, वैसे ही अगर वो 70 गाय बछड़े बैल भी अगर बैरिकेड लगा कर बंद करते तो अच्छा रहता था। लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि दूसरा कोई काम हमारे पास नहीं है, क्या यही हम काम करेंगे क्या, तुम जो करना है कर लो। तो कार्यकर्ता डायरेक्टली जहां पर गाय बछड़ा बैल बंधे हुए थे वहां पर जाकर कसाईयों से झगड़ा करे। तो उन कसाईयों में से एक कसाई अरुण राज नामक एक गौ रक्षक के ऊपर चाकुओं से हमला किया, जो आज हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और तेलंगाना की पुलिस ये कहती है कि गाय बछड़ा बैल अगर जो कोई भी ले जाता है तो पुलिस को इंटीमेशन दे, हम पकड़ेंगे। आज खुलेआम तेलंगाना में गाय बछड़ा बैलों को बकरीद के संदर्भ में काटने के लिए लोग ले जा रहे हैं। तेलंगाना पुलिस से पूछना चाहता हूं क्या कर रही है पुलिस, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं जो इलेक्शन के समय पर गौ माता की जय का नारा लगा रहा था, वो आज क्या कर रहा है मैं पूछना चाहता हूं। डुप्लीकेट हिंदू रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री है वो आज क्यों सो रहा है मैं उससे पूछना चाहता हूं। और जब कार्यकर्ता गौ रक्षा के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। मेदक पुलिस के लोग जब कार्यकर्ता बोलने गए तो उन पर लाठीचार्ज किया गया, दो कार्यकर्ता घायल हो गए। ये चल रहा है तेलंगाना में, खुलेआम कसाईयों के समर्थन में कांग्रेस सरकार है, खुलेआम कसाईयों के सपोर्ट में यहां की तेलंगाना की पुलिस है। मैं रेवंत रेड्डी जी को बोलना चाहूंगा कि हम डरे ना आगे डरेंगे, गौ रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। भले ही आज हमारे कार्यकर्ताओं को तुमने अरेस्ट करके रिमांड किया है, मैं पूछना चाहता हूं जिसने चाकूबाजी की वो कसाई को तुम कब पकड़ोगे। हम उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ है जो गौ रक्षा करते हैं, हर चीज से तैयार है। और रेवंत रेड्डी जी, अगर तेलंगाना का माहौल खराब करना नहीं है तो बकरीद के दिन गाय ना कटे, ये आप पुलिस को आदेश दे, नहीं तो हमारे कार्यकर्ता अगर रोड पर आएंगे, अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो उसकी जिम्मेदार तेलंगाना राज्य की कांग्रेस सरकार रहेगी।